गुड मॉर्निंग दोस्तों, बज रहा है दोपहर का 12। उठ तो हम गए थे 10 बजे ही, लेकिन अभी बज रहा है 12। हम बैठे हुए हैं, बहुत ठंड है यहाँ पर, 8 डिग्री टेम्परेचर है नॉर्थ इंडिया में, बहुत ठंड हो रही है। खैर, बात करते हैं संडे की। संडे है आज हमारा इंटेंसिव वर्कआउट डे का ऑफ रहेगा, वो पॉज पर रहेगा क्योंकि चाहिए बॉडी को टाइम थोड़ा रिकवरी के लिए। करेंगे ब्रेकफास्ट, आज हम उसको ब्रेकफास्ट बोलेंगे नहीं बोलेंगे, पोस्ट वर्कआउट मील नहीं बोलेंगे, अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में दिखा दूँ आपको क्या कर रहे हैं, बट हम करेंगे वॉक। और आज के हमारे स्टेप्स का टारगेट वही 20,000 रहेगा। हम करेंगे मूव, अपनी बॉडी को एक्टिव रखने की पूरी कोशिश करेंगे, और बने रहिए। क्विकली आपको दिखा रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या ले रहा हूँ। तो ये है ब्रेकफास्ट जी, हाँ, पपीता, ये हैं बॉयल्ड राजमा, और ये है एक स्लाइस मल्टीग्रेन ब्रेड का। बस यही होने वाला है सिंपल सा नाश्ता, और उसके बाद होगी वॉक, और फिर मिलेंगे आपसे लंच टाइम में। जैसा दोस्तों हमने बात की थी कि आज हुई है दिन की शुरुआत लेट, क्योंकि आज था संडे और वर्कआउट हमें करना नहीं था इंटेंसिव, बट मैंने वॉक की है 1 घंटा, और मेरे स्टेप्स हो चुके हैं अराउंड 8,000 अभी तक, जो बज रहा है शाम का 4:30। अब लग रहा है ये कुछ खाना चाहिए, क्योंकि जो हमने ब्रेकफास्ट किया था वो बहुत ही लेट किया था, और उसके बाद कुछ गैप हो गया अच्छा खासा। अब हम खाएंगे खाना, और मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको कि क्या खा रहे हैं। तो ये दोस्तों हमारा सैलेड, ये हम खा रहे हैं सैलेड। इसमें है मूली, गाजर, चुकंदर। चुकंदर खाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो ये हम खा रहे हैं। और ये है हमारा खाना, खाने में हम खा रहे हैं राजमा, साथ में है बीन्स, साथ में है थोड़ा सा शलजम, और ये है हमारी 2 बाजरे की चपाती। यही है हमारा लंच, इसको करते हैं फिनिश फटाफट, और फिर करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। गैस रात का बज रहा है 12, करने बैठ गए हैं डिनर, क्योंकि लंच शाम को काफ़ी लेट हुआ था, इसलिए डिनर भी लेट हो रहा है। संडे पूरा लेथार्जिक गया है, बट लेथार्जिक इन टर्म्स ऑफ रेस्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट एंड बीइंग एक्टिव। सो वॉक हमने की है, और हमारे हो गए आज के 16,500 स्टेप्स अगेंस्ट 20,000। सो अगर हमने आज अपना इंटेंसिव वर्कआउट किया होता तो हमारे 20,000 का टारगेट पूरा हो जाता, बट नेवर द लेस 16,500 ओनली थ्रू वॉकिंग। सो आई वुड से दैट ऑन अ संडे वी वर एक्टिव, विच इज़ गुड। सो आप खाना खाने बैठे हैं, खाने में आपको दिखा देता हूँ क्या खा रहा हूँ। सैलेड में तो आपको पता ही होगा मैं खाऊंगा पपीता, जी हाँ पपीता बहुत काम की चीज़ है, वो तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, और उसके अलावा मैं खाऊंगा खाना। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। सो ये है अपना, सो ये है पपीता, थोड़ा सा डाला चाट मसाला, खा के देखिएगा अमेजिंग होता है। दूसरा ये है अपना राजमा, ये है बीन्स, और ये है मल्टीग्रेन आटे की चपाती। सो इसको फटाफट खा लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, मिलते हैं आपको डे कंक्लूड करते टाइम। सो इसको खा लेते हैं फटाफट, और उसके बाद आपसे मिलते हैं वाइल कंक्लूडिंग द डे। थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, टाइम आ गया है दिन को कंक्लूड करने का। सो आज के स्टेप्स वही रहे हैं हमारे 16,500 स्टेप्स। हमने डिनर कर लिया है, बैठे हैं थोड़ा सा, और सच बताऊँ तो थोड़ा सा पैरों में और जॉइंट्स में थोड़ा सा पेन है, क्योंकि चलने की वजह से। हमने आज रेस्ट भी किया है, और बॉडी को रेस्ट एक्चुअल में चाहिए ही होता है, इसीलिए ज़बरदस्ती बॉडी पे एक्सर्शन नहीं डालना है। पता चला वेट लॉस करने के चक्कर में कोई दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। सो जो लोग भी सोचते हैं कि एक्सटेंसिव वर्कआउट करना चाहिए, एक्सटेंसिव वर्कआउट से कुछ नहीं होगा, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कीजिए, मिनिमम टाइम के लिए कीजिए, रेगुलर कीजिए, उससे फ़र्क पड़ेगा, बट अपनी बॉडी को ग्रिल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा एक टिप देना चाहूँगा मैं आप लोगों को, जो लोग भी वाइट सॉल्ट खाते हैं, सभी लोग ऐसे वाइट सॉल्ट खाते हैं, उस वाइट सॉल्ट को आप अगर हो सके तो सेंधा नमक से रिप्लेस कीजिए, उससे आपके BP पे फ़र्क आएगा, और पहली चीज़ आपके ब्लड प्रेशर पर फ़र्क आएगा, ब्लड प्रेशर फ़र्क आएगा तो काफ़ी बीमारियाँ और कंट्रोल होंगी। एक छोटी सी टिप है जो आपको देना चाहता हूँ, तो कोशिश कीजिए कि वाइट नमक को अपनी डाइट से एक्सक्लूड मत कीजिए कम्प्लीटली, बट थोड़ा सा कम कीजिए। तो आज का दिन हमारा मैं कंक्लूड करता हूँ इसके साथ यहीं पर ही, और इसके साथ अपना नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे मंडे। और मंडे का शेड्यूल हमारा है कि हमें कहीं बाहर जाना है एक पार्टी में, बट रूल वही रहेगा कि खाना नहीं खाना हमने बाहर, खाना हम घर में ही खाएंगे, घर से खा के ही जाएंगे, बस बाहर जाएंगे, और हो सका दिखाएंगे आपको कहाँ गए, कैसा है फंक्शन, और मिलते हैं उसके साथ कल। और कहना चाहूँगा शुभ रात्रि, गुड नाइट।